नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेंटर चैनल में मैं विपिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कि भाई कोई भी मोटर हमें सबमर्सिबल मोटर परचेस करना है तो किस तरह से सिलेक्शन करेंगे, मेन मेन फैक्टर क्या होते हैं, ये पूरी मैं सीरीज बना रहा हूं। तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, तभी ये जो मैं सीरीज बना रहा हूँ वो सब लोगों तक पहुँचेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या होते हैं मेन फैक्टर। देखिए, सबमर्सिबल मोटर जब भी परचेस करना हो तो यहाँ पे हमें सबसे पहली ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि भाई हमारा बोरिंग का साइज क्या है। बोरिंग के साइज के ऊपर ही हमें V3, V4, V5, V6, 7 या 8 जो भी मॉडल है परचेस करना है। अब ये V3, 7, 8 क्या है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि बोरिंग का साइज जो है ये 5 इंचेस है। चलिए, ये 5 इंच, 5 इंच हमारा बोरिंग का साइज है। तो ये बोरिंग का जो साइज होता है वो राउंड शेप में, सीधी सी बात है, इस तरह से राउंड शेप में हमारा है, ये 5 इंचेस है। तो इसके अंदर जो मोटर आएगी वो क्या क्या आ सकती है, हमारे पास ऑप्शन है। इसमें हम V3 लगा सकते हैं, जो मोटर आती है वो राउंड शेप में V3 या 3 इंच में आती है। और अगर इसके साइज़ के हिसाब से हम लगाएंगे तो V4 बेस्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास है दो सिलेक्शन, V3, V4। मगर सिर्फ इतना देखने से, बोरिंग का डायमीटर देखने से मोटर नहीं सिलेक्ट कर सकते या फिर पंप नहीं सिलेक्ट कर सकते। और आगे बढ़ते, ये बात आपको समझ में आ गई, बोरिंग का डायमीटर 5 इंच का है तो V4 भी चला सकते हैं, V3 भी चला सकते हैं, V6 इसमें नहीं आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते, ये डिपेंड रहता है कि आपका बोरिंग का साइज क्या है, डायमीटर क्या है। ठीक है, मैं गहराई की बात नहीं कर रहा हूँ, डायमीटर की बात कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आता है यहाँ पे हेड। अब हेड कैसे सिलेक्ट करें, इसके ऊपर एक मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, मगर अभी आपको यहाँ पे सिंपल समझा देता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरा जो पानी का लेवल है, ये 5 इंचेस के बोर में अगर पानी का लेवल है मेरा, यहाँ पे है 80 फीट। चलिए 80 फीट पे पानी है, 80 फीट, यहाँ पे मैं शॉर्ट में FT लग देता हूँ, 80 फीट पे। अब इसमें कैसे हेड, ये हेड कितना निकला, तो इस तरह से हेड नहीं निकलेगा। 80 फीट तो हमारा पानी का है, प्लस हम 30 फीट मिनिमम 30 फीट इसको पानी से नीचे रखते हैं। 30 फीट नीचे क्यों रखते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी का लेवल नीचे जा सकता है। मोटर को अगर कूलिंग नहीं मिला, हमारे मोटर ज़्यादातर मोटर वाटर कूलेड होते हैं, ठीक है, वो भी आएगा, सारा आएगा, सारा समझाऊँगा। ज़्यादातर वाटर कूलेड मोटर यूज़ होते हैं तो गर्म होके मोटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बिना पानी का चलेगा और वो ख़राब हो जाएगा। तो मिनिमम, ये मिनिमम है, आप 50 फीट भी नीचे रख सकते हैं, 40 फीट भी नहीं, मगर पानी जहाँ पे है, 80 फीट पे पानी है तो मुझे ये प्लस 30 फीट तो रखना ही है। तो यहाँ पे इन दोनों का अगर हम प्लस कर देंगे, 80 + 30 तो कितना हुआ, 110 फीट। तो क्या हमारा ये हेड है, जी नहीं, ये भी हेड नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि आपको 30 फीट ऊपर तक पानी ले जाना है, आपको 30 फीट आगे ले जाना है या मकान पे 30 फीट ऊपर चढ़ाना है पानी, तो इसमें प्लस वो 30 फीट आएगा। समझ में आ रहा है, 110 फीट 80 फीट पे पानी, 30 फीट पानी के नीचे हमें रखना है, तो 110 फीट हो गया, 110 फीट प्लस हमारा जो मकान है या जहाँ पे पानी ले जाना है, टैंक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसका हेड यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 30 फीट। तो चलिए इसमें प्लस 30 करेंगे, 110 + 30 कितना हुआ, 140 फीट, 140 फीट का हेड हो गया। अब इसमें भी ये हेड हमारा निकल गया 140 फीट, मगर इसमें भी सिलेक्शन में आपको देखना पड़ेगा, वो मैं सीरीज में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझाता जाऊंगा, टेंशन नहीं ले। अभी आप मेन मेन पॉइंट समझ लीजिए, 140 फीट में अगर V3 में जाएंगे तो V3 का अगर मैं बात करूँ, इंपीलियर हेड या फिर स्टेज, यहाँ पे स्टेज ज़्यादातर क्या बोलते हैं, स्टेज बोलते हैं, ठीक है, पंप का ये चीज़ जो है ना, मैंने यहाँ पे पंप ड्राइंग की, ये स्टेज है, 1, 2, 3, 4, ये 4 स्टेज है, जैसे कि 1, 2, 3 और 4। अब स्टेज क्या होता है, स्टेज होता है कितने इंपेलियर है। अब ये स्टेज भी अलग अलग टाइप के काम करेंगे, किस टाइप के काम करेंगे, काम एक ही है, पानी ऊपर फेंकना, मगर जैसे ही मॉडल फरेगा V3, हो सकता है V3 में ये एक स्टेज है, ये वाला स्टेज, चलिए ये पकड़ते हैं और इसमें V3 हम लगाते हैं, V3 है भैया, चलिए V3, तो ये 15 फीट तक ही पानी ऊपर फेंकेगा, ये 15 फीट इसका कैपेसिटी है, V3 का एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे 15 फीट है। जैसे ही V4 में मैं जाऊँगा, मोटर का डायमीटर बढ़ जाएगा, पंप का भी डायमीटर बढ़ेगा, इंपीलियर बढ़ा आ जाएगा,
मैं इंपेलर को कई बार रोटर बोलते हैं तो कई लोग ऐसे हैं ज्ञानी लोग जो समझाते हैं कि इंपेलियर को रोटर बोलता है। भाई आपको यहाँ पे एक सिंपल समझा देता हूँ, मोटर या पंप के अंदर जितने भी रोटेटिंग पार्ट है, याद रखिए मोटर या पंप के अंदर जितने भी रोटेटिंग पार्ट है सारी चीज़ों को हम रोटर बोल सकते हैं, और जितना रोटेटिंग पार्ट नहीं है जो स्टेटिक है उसको स्टेटर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इंपेलियर को रोटर बोल सकते हैं क्योंकि वो रोटेट करता है, और जितने भी चीज स्टैटिक है जो नहीं घूम रही है वो सारी चीज़ों को स्टेटर बोल सकते हैं, इंपेलियर को रोटर बोल सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें रोटेटिंग वाला क्या है, हम थे V3 V4, फिर भी आपको रोटेटिंग, ये शाफ्ट है ये रोटेट कर रही है, रोटर बोल सकते हैं। यहाँ पे भी पंप के मोटर से, ये मोटर है, मोटर से पंप तक साफ जा रही है, रोटेटिंग कर रहे हैं। इसके अंदर इंपेलियर है, रोटेटिंग कर रहे हैं। इसके अंदर बाउल है, वो रोटेटिंग नहीं कर रहा है, तो वो स्टेटर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, रोटेटिंग वाला क्लियर हो गया। तो इंपेलियर को रोटर में बोल सकता हूँ, आप भी बोल सकते हैं, पंप के रोटर बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे 15 फीट। ठीक है, अगर मैं V4 में जाऊँ तो V4 का डायमीटर बढ़ गया। तो इसी में अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ V4 मोटर मेरे पास सबमर्सिबल, तो इसका डायमीटर यहाँ पे लगेगा 20 फीट। समझ में आया, ये V4 में 20 फीट। अगर ये 4 स्टेज का पंप है, V4 है, तो आप समझ लीजिए 20 फुट, 20 मल्टीप्लाई को 4 कर दीजिए V4 में, ये 20 मल्टीप्लाई 4 80 फीट का हेड हो गया ना, 80 फीट, ये एग्जांपल है 80 फीट। मगर अगर 15 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे V3 है, ये 60 फीट ही होगा, 60 फीट। तो इस तरह भी हेड सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग स्टेज के हिसाब से, मगर सबसे पहले ज़रूरी है बोरिंग का साइज। बोरिंग के साइज़ के हिसाब से सिलेक्ट करना है हमें V3 V4, फिर हेड। हेड इस तरह से कैलकुलेशन होता है, जहाँ पे पानी का लेवल, वाटर लेवल, प्लस 30 फुट और गहराई, प्लस ये हो गया इसका टोटल, प्लस हमें पानी ऊपर या आगे कितने तक ले जाना है उसको प्लस कर दीजिए, फिर जाके आपका हेड निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजेस सबसे ज़्यादा यही है प्रॉब्लम वाली चीज़, यूज़ क्या करना। बहुत सारे लोग मुझे कॉमेंट करके पूछता है कि भाई 80 फीट पे पानी है, 100 फीट पे पानी है, 500 फीट पे पानी है, कौन सा मोटर या पंप ले लूँ। इस तरह से नहीं होता है सर, ये सारी डेटा आपको देना पड़ेगा या फिर आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। यूजेस क्या है, कहाँ पे यूज़ करना है, एग्रीकल्चर हो सकता है, ये मैं शॉर्ट में रख देता हूँ, एग्री एलियन लिख ही देता हूँ, एग्रीकल्चर में यूज़ हो सकता है। दूसरा यूज़ क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिक घर के लिए, चलिए डोमेस्टिक यूज़ कर सकते हैं। और क्या यूज़ हो सकता है, और हो सकता है इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका 3 यूज़ हो गया। सबसे पहले आपको यूजेस निकालना। अगर यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर लूँ तो एग्रीकल्चर में कौन कौन से मॉडल ज़्यादातर यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर में होता है यहाँ पे V4 V5 V6 V8, ये सारे मॉडल है ना, ये एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है। घर में कौन से होते हैं, घर में ज़्यादातर सिंगल फेज ही यूज़ होते हैं, वो भी समझाऊँगा आगे आएगा, एक ही वीडियो में समझाने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो भी समझाऊँगा। तो एग्रीकल्चर में ज़्यादातर बड़े डायमीटर वाली मोटर यूज़ होती है, और जो बोरिंग का साइज है वो भी बड़े डायमीटर में होता है। ज़्यादातर एग्रीकल्चर में बोरिंग करते हो 5 इंच 6 इंच 7 इंच 8 इंच 10 इंच इस टाइप का होता है, 9 इंच 10 इंच। ठीक है, घर के लिए छोटा होता है, 4 इंच का भी बोरिंग हो सकता है, 4 इंच में V3 आराम से लगा सकते हैं। तो ये हो गया यूजेस क्यों हमें सिलेक्ट करना, उसी हिसाब से हमें यहाँ पे स्टेज सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से मोटर का HP हॉर्स पावर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ज़्यादा पानी चाहिए, बड़ी मोटर लगानी पड़ेगी, बड़ा पंप लगाना पड़ेगा। ज़्यादा स्टेज वाला पंप लगाने से ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पानी आया, समझ में आया। ज़्यादा पानी आने के लिए ज़्यादा स्टेज ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे V3 V4 भी काम करता है, मगर मोटर के वॉस पावर बढ़ाने पड़ेंगे। उसी हिसाब से हमें अगर एग्रीकल्चर के लिए है तो इतना पानी सिलेक्ट करना पड़ेगा, घर के लिए है डोमेस्टिक घर के लिए तो उतना पानी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा है यूजेस, और लास्ट में यहाँ पे आता है पावर, ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है पावर। पावर यहाँ पे समझाता हूँ, V3 मोटर लेना है भैया, चलिए V3 1 HP का, 1 HP पंप का हेड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते, V3 में 1 HP प्लस ये पंप का हेड समझ लीजिए कि यहाँ पे
आठ स्टेज का लेना है, आठ स्टेज स्टेज। अब ये सब तो हो गया, ये हेड हो गया, ये एट स्टेज हो गया। अब आता है पावर, सिंगल फेज लेना है कि थ्री फेज लेना है? जी हाँ, वन फेज का भी आता है सिंगल फेज, जिसको हम घर में लाइटिंग यूज़ करते हैं वो सिंगल फेज पावर होता है, ठीक है। इसमें एक फेज आता है, एक न्यूट्रल आता है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इलेक्ट्रिक के बारे में सीखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक का कोर्स है, मेरा बनाया हुआ वीडियो कोर्स है, और इलेक्ट्रिक आप भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल फेज, और फिर आ गया हमारा थ्री फेज, जो हम एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री के लिए पावर यूज़ करते हैं, इसमें न्यूट्रल का यूज़ नहीं होता, तो ये भी एक फैक्टर है। तो मैंने यहाँ पे आपको इस वीडियो में क्या समझाया, बोरिंग का साइज, हेड, यूजेस और ये पावर, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। और दूसरा क्या समझने को आया, ये है मोटर। मोटर होता है एचपी में, मोटर हमेशा होता है एचपी में या वोट किलोवाट में, ठीक है। एचपी से किलोवाट कैसे करना है वो भी आ जाएगा, वो भी सारी चीज़ें इसमें आएगी। और यहाँ पे आता है पंप, पंप कैसे, पंप किस टाइप का होता है, पंप होता है स्टेज में, कितना स्टेज का पंप है, स्टेज क्या होता है, कितने इंपीलियर है और इंपीलियर के ऊपर कितने बाउल है, बाउल इंपीलियर शाफ्ट बेयरिंग सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी जैसे ही हम सीरीज में आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो मगर तब तक आप ये चारों पॉइंट, ये मोटर एचपी में, पंप स्टेज में, हेड क्या होता है, बोरिंग का साइज, पावर और यूजेस इतना समझ लीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हमारी मेहनत पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। उसके साथ साथ आप इलेक्ट्रिक सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स है जो अभी 249 रुपये में ही अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।